ये आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे आप सबके सामने बताते हुए बाबा बागनाथ की भूमि पर कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार अभी तक की यात्रा में 30 लाख से भी ज्यादा यात्री और श्रद्धालुओं ने उनका दर्शन कर लिया। भाइयों बहनों को अपने आप में रिकॉर्ड है, हम चाहते हैं वो यात्री इधर भी आए, जो यात्री चारधाम जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, वो चारधाम में जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं, जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आगमन इधर भी हो उसको लेकर हम अच्छी कनेक्टिविटी को बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी ये रोड का नाम बताया, सिंधी ग्वालम से लेकर गंजनी मार्ग जो कि आपके यहां से होकर गुजरेगा, उसी प्रकार से हल्द्वानी से कर दिया सकता यह मार्ग भी भारत सरकार ने इतनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम लोगों ने जैसे चार धाम अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं, चार भावों के लोग दर्शन करने आते हैं, वैसे ही पूरे कुमाऊं मंडल के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, हमारे पुराने धार्मिक स्थान हैं, उन सभी धार्मिक स्थानों को और पौराणिक मंदिरों को मानस खंड मंदिर महावर्षण जो हमने अपने संकल्प के रूप में लिया है, भाइयों बहनों उसको हम संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनका विस्तार करना, वहां पर आधारभूत संरचना खड़ा करना, वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं जो आवास से लेकर पानी बिजली सड़क सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करना एक सर्किट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जो हमारे शुरुआती काल में था कि उत्तराखंड हमारा पर्यटन आधारित राज्य बनेगा, यहाँ के आजीविका का, यहाँ के रोजगार का प्रमुख साधन अगर कुछ होगा तो वो हमारा पर्यटन होगा। इससे भाई बहनों इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए भी पर्वतमाला परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ हमने सरकार जिस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में उत्तराखंड की जनता से हमने यह संकल्प लिया था कि उत्तराखंड के अंदर हम समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आएंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने समान नागरिक संहिता का कानून लाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है, उस पर काम चल रहा है, कमेटी का गठन हो गया है, जल्दी एक ड्राफ्ट बनकर आएगा और ड्राफ्ट बनकर जैसे ही आएगा सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गरीब परिवारों के लिए हमने संकल्प किया था, गरीब परिवारों के लिए हम तीन सिलेंडर एक साल में मुफ्त में देने की योजना लेकर आएंगे, उनको भरने का काम उत्तराखंड की सरकार करेगी। भाइयों बहनों हमने 55 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रावधान कर दिया है, इसका शासनादेश भी कर दिया है, जल्दी ही हम यह योजना उत्तराखंड की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों, हमारे वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवावस्था, इन सभी पेंशन को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन में पहले लाभ केवल परिवार में एक व्यक्ति को मिलता था, अब हमने तय किया है, हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि आप दोनों ही दंपतियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दोनों बुजुर्ग अगर परिवार में दो बुजुर्ग हैं तो दो बुजुर्ग होते थे, एक को मिलता था एक को नहीं मिलता था। भाइयों बहनों कई बार तो इससे आपस में झगड़ा भी हो जाता था, साथ ही झगड़ा हो जाता था कि एक को मिल रहा है पेंशन एक को नहीं मिल रही है। लोनी जी अशोक जी आपने भी सुना होगा पहले एक को मिलती थी पेंशन, हमने सरकार ने फैसला लिया है कि अब पेंशन दोनों को मिलेगी, अगर दो बुजुर्ग दंपति परिवार में है तो दोनों को मिलेगी। और इसके बाबत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारे ग्राम प्रधानों का भी मानदेय हमने बढ़ाकर 1500 रुपए से 3500 रुपए कर दिया है। दुर्घटना व्यापारिक दुर्घटना बीमा इस योजना की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है। शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में प्रावधान की भी व्यवस्था की है। राज्य के जो वीरता पदक से सम्मानित हमारे सैनिक हैं उनकी दे एक मुश्त अनुदान की जो राशि है उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने का कार्य भी किया है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बैटन की पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। राज्य आंदोलनकारियों की जो लंबे समय से मांग थी उनकी विधवाओं को भी पेंशन बढ़ाने का कार्य किया है।
दिल्ली विश्वयुद्ध की वीरांगनाओं की पेंशन बढ़ाई है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई है, संघ लोक सेवा आयोग एनडीए सीडीएस एवं उसके साथ उसके संपर्क परीक्षाओं में साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रूपये की धनराशि का भी सहायता के रूप में हमने प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आज चाहे वो पेयजल हो, नमामि गंगे हो, अमृत योजना हो, बाघ योजना हो, हर क्षेत्र में लगातार हम कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी अजय गट्टा जी ने बताया कि हम लोग नदियों एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवन की भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके भी सर्वे कर रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत राज्य में 1250 अमृत सरोवर बनाने पर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में जमरानी बांध परियोजना, सोन बांध परियोजना, इन सभी पर काम चल रहा है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर दरू गंगा है, कोसी है, ऐसी जो नदियों का जल लगातार सूखता जा रहा है, ये नदियां भी लगातार प्रभावमान रहे, लगातार बहती रहे, 12 महीने इनमें पानी रहे, इसके लिए भी हमने सर्वे का काम शुरू किया है कि कैसे पिंडर नदी या दूसरी नदियों से इसको जोड़कर एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का काम हो। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर बहुत समय से लगातार मांग उठ रही है कि चकबंदी होनी चाहिए, चकबंदी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, उसका भी आकलन कर रहे हैं कि चकबंदी करना है और उससे अपने लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड के छोटे कामगारों को कृषि के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो भी लाभ हो सकता है, उस दिशा पर भी हम काम कर रहे हैं, बहुत गहराई से उस पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ भू कानून को लेकर लगातार मांग होती है, भू कानून के लिए हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गई है, हम उस पर भी जल्दी ही कोई ना कोई फैसला लेने वाले हैं। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में जहां होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन की राशि को बढ़ा रहे हैं, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जाने का कार्य हो रहा है। आज सवेरे भगवान बैद्यनाथ के दर्शन करने गया था और वहां पर गुजरात के 15 से 20 लोग थे और इतने खुश थे कि जैसे हम लोग पहुंचे तो अपने मुंह से जो है उनके जय श्री राम की बोलने लगा, जय श्री राम। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत प्रसन्न कहते उत्तराखंड में आकर हम बहुत खुश हैं और 10 किलोमीटर लगातार हमारा टूर चलने वाला है। तो मैंने सोचा, मैं सिटिंग मिनिस्टर से पूछ रहा था कि यहां पर हेलीपैड अगर परमानेंट बन दिया जाए और अच्छा उसका विस्तार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले जो इतने अच्छे अच्छे स्थान है, जहां बागनाथ जी का स्थान है, बैद्यनाथ जी का स्थान है, बाबा जागेश्वर का स्थान है, स्थान है, हमारे यहां पर आगे चले जाएंगे तो मां गुटिका का स्थान है, महाकाली का स्थान है, उधर गोल्डी विराजमान अल्मोड़ा में है, हमारे भी है वहां नैनीताल में, इसके अलावा हमारे चंपावत हर जगह पर जहां मां बराही का स्थान है, पुरागिरी का स्थान है, दीन गोली बाबा है, वहां हमारा दो आश्रम है, एक से एक स्थान है। अगर हम स्थानों को जोड़ रहे हैं, इसी को हमने मंदिर माला मिशन के तहत लाए, मैं ये घोषणा करता हूं कि जो हमारा वहां का हेलीपैड है, इस जनपद का धरूर के पास वाला हेलीपैड, उसका विस्तार किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी होगा, क्योंकि हम पर्यटन आधारित हमारा राज्य है, जहां जनपद के क्षेत्र में बहुत सारी हमारी परियोजनाएं बंद है, उन परियोजनाओं को चालू करवाने के लिए मैं लगातार भारत सरकार में प्रयास कर रहा हूं। मैं लगातार वहां अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे यहां पर गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोक लगाई हुई थी, उसके अलावा हमको आगे जो है जो योजनाएं करने के लिए, आगे लघु जल विद्युत में जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारत सरकार हमको अनुदान दे, और हमने भारत सरकार की जो सबसे बड़ी थिंक टैंक है नीति आयोग, उसमें भी उत्तराखंड राज्य के कई मुद्दों पर हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हमको अलग से कुछ योजनाएं दी जाए जिससे कि हम इस क्षेत्र में काम कर पाए। भाइयों बहनों, 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड के अंदर आगे विकसित किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम जो विकास करना चाहते हैं, क्या हम हिमालय के राज्य हैं जहां गंगा यमुना है, यहां की शुद्ध ऑक्सीजन है, शुद्ध वायु है, शुद्ध पर्यावरण है, तो इकोनॉमी और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और आर्थिकी दोनों का एक साथ समावेश होना चाहिए, दोनों का संतुलन होना चाहिए। कहीं इकोनॉमी बढ़ाने के चक्कर में
हमारी इकोलॉजी जो सुंदर हवा है, सुंदर पहाड़, अपना शुद्ध जल है, शुद्ध पर्यावरण है, वह भी खराब ना हो, उसका भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोनों पर संतुलन बिठाते हुए हमको आगे काम करना है। इस क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और एक संकल्प हमने लिया हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वह तो साक्षात दिखने लग गया है। जहां कांवड़ यात्रा हो, हमारी चारधाम यात्रा हो, लगातार पर्यटकों का आना हो, हर दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें वही दूसरी दिशा में भी आगे बढ़ना है। हमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करनी है, हमें कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाने हैं, कुछ इस प्रकार की योजनाएं लानी है कि जो उत्तराखंड राज्य के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं। जो चंदन रामदास जी कह रहे थे, हमारे हर विभाग, आज मैं परिवहन विभाग में आया हूं तो मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, उनके अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा। ये बहुत अच्छा है कि यहां पर डिपो भवन का आज लोकार्पण हो गया है, अन्य योजनाओं का लोकार्पण हो गया है, लेकिन अगले 3 सालों में हमको उत्तराखंड राज्य के लिए परिवहन विभाग में ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी योजनाएं संचालित करनी है जो 9 नवंबर 2025 तक पूरी हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर तो वो योजना अच्छे रूप में जारी ही जाए। इसके साथ साथ पूरे देशवासी कहें कि उत्तराखंड के परिवहन निगम ने एक योजना उत्तराखंड राज्य में ऐसी लागू करी है जो पूरे देश के लिए उदाहरण है। तो भाई बहनों, तभी हमारा ये सपना सार्थक होगा कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में शामिल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में शामिल होंगे। जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, मैं प्रधानमंत्री जी का इस देवभूमि की जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारे प्रावधान किए, कौशलम से लेकर आनंदम से लेकर बच्चों के प्रवेश उत्सव से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कि जो एक बच्चे के जीवन में जितने प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उसके विकास में जो जरूरी होता है, उन सभी को उन्होंने उसमें समावेश किया है। भाई बहनों, जहां हमारी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतनमान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया, पर्यावरण मित्र जो हमारे सफाई का काम करते थे उन सभी का 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपए किया है, उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने नई स्टार्टअप पॉलिसी भी उत्तराखंड के अंदर लागू की है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नई स्टार्टअप नीति में हमारे उत्तराखंड के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सामान्य परिवारों से आए हुए बच्चों ने एक से एक नई योजना स्टार्टअप के माध्यम से लाए हैं और आज स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में आ गया है, लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। पिछले दिनों हमने कक्षा 12 और 10वीं के छात्रों को डिग्री कॉलेज के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्र हैं उन सभी को डीपीटी के माध्यम से हमने टैबलेट उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार ने किया। 207 प्रकार की राज्य चिकित्सा के क्षेत्र में जहां आयुष्मान भारत योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी की जो अपने आप में आज दुनिया की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वही 207 प्रकार की फसल व्यक्तिगत जानवरों को भी निःशुल्क हमने करने का प्रावधान किया है। अभी 18 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के सभी लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और जो कोविड से जिन बच्चों के परिवार निराश्रित जो बच्चे हो गए, उन सभी बच्चों को 3,000 रुपए प्रत्येक माह बासल योजना का भी सहारा उत्तराखंड की सरकार ने दिया है। खिलाड़ियों के क्षेत्र में हमने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें 14 से 23 वर्ष तक के आयु के जो प्रतिभावान खिलाड़ी है, जिला स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल फील्ड ट्रैक सेट व खेल उपकरण देने की भी व्यवस्था की है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में भी उत्तराखंड का नाम रोशन करें। आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारे बच्चे, हमारी कोई टीम खेलने के लिए जाती है तो खेलने जाने से पहले उन बच्चों से फोन पर बात करते हैं या स्वयं बुलाते हैं, उसके बाद पदक जीतते हैं तो पदक जीतने के बाद फिर से उनसे बात करते हैं और कोई पदक से वंचित रह जाते हैं, थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है। पहले जैसे भारत पिछलद्दू भारत कहते थे, दब्बू भारत कहते थे, पीछे रहने वाला भारत कहते थे, आज भारत की पहचान हो गई है
भारत जहां दुनिया के देशों का अग्रणी भारत बन गया है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में आज भारत दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां खिलाड़ियों के लिए एक से उनके प्रोत्साहन की योजना है, वही खिलाड़ियों के चयन में भी आज पारदर्शिता का बढ़ावा दिया जा रहा है, पारदर्शिता से काम हो रहा है। उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ का भी एक बच्चा दीपक धपोला, इन्होंने अभी अभी यहां से इनके पिताजी जो 21वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में तैनात थे, जहां आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान वो उनकी शहादत हो गई थी, और अभी इनका चयन उत्तराखंड राज्य के लिए, जहां रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे, रणजी ट्रॉफी के बालरों के अभी भी शीर्ष स्थान पर है, और अभी हाल में ही इनका चयन जो है दिलीप ट्रॉफी के लिए भी हो गया है, और ये दिलीप ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड से एकमात्र खिलाड़ी हैं। मैं इनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इनकी माताजी ने मुझे इनका ये दिया है। निश्चित रूप से हम लोग इस बच्चे के प्रोत्साहन के लिए हर क्षेत्र में काम करेंगे, उत्तराखंड की सरकार आपके साथ खड़ी है। आज राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिए हमने हर ग्राम सभा में एक ओपन जिम बुलाया जाएगा, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर दिया है। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में हम चाहते हैं, जैसे आज देश के हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे रहे, हर क्षेत्र में आज भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ में भी हमारे यहाँ के बच्चों ने एक लक्ष्य सिंह में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, हमारे यहीं के अल्मोड़ा के लक्ष्य सिंह में, तो देश के अब तमाम जगह पर खिलाड़ी जा रहे हैं, तो उत्तराखंड के खिलाड़ी भी हर क्षेत्र में आगे जाए, उसके लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, और नई खेल नीति के माध्यम से जहां हमने ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनके जाने का आने का उनके खाने का बहन नहीं कर सकते, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, अगर उनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, तो उन बच्चों की क्षमता, योग्यता, प्रतिभा को रुकने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमने जहां आने जाने खाने और रहने की सारी व्यवस्था नई खेल नीति में की है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए जरूरी है कि हमारे हर क्षेत्र में काम करने वाले जो भी जिस क्षेत्र में काम करता है अपने दायित्व का संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण मनोयोग से मनोरथ करेंगे तो कोई शक्ति हमको रोक नहीं सकती। जहां हमको इतने हमारे देवी देवताओं का, हमारे इन धामों का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं भगवान के द्वारा दिए हुए हमारे यहाँ पर इतने सुंदर स्थान है, एक से एक सुंदर स्थान है, हमारे यहाँ पर एक से एक प्रभावान हमारी नदियां हैं, हमारे यहाँ पर्वतराज हैं, हमारे यहाँ एक वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र 70-80% भूभाग वनों से आच्छादित है, तो इतना सब कुछ प्रकृति के द्वारा प्रकट है। तो हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबको एक संकल्प लेना है कि हम लोग अब जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि हम हर क्षेत्र में एक नया वर्ग कल्चर नहीं ला पाएंगे, जब तक हम एक नए वर्ग कल्चर को, नई कार्य संस्कृति को उत्तराखंड के अंदर लागू नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आप सभी का जिसमें मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से हम उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। भाई बहनों, आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के बारे में पहले ही बता चुका हूं, काफलीगढ़ में डिग्री कॉलेज प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंचकोरानी का जो प्राधिकरण से संबंधित है उसमें हमको ये मिट्टी बनाने वाले, उस मिट्टी के धंधे ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बारिश से झेलाकास मोटर मार्ग का भी गांधीकरण किया जाएगा, गुजरात गुंडा सिंह इंडिया मोटर मार्ग के गांधीकरण का भी कार्य किया जाएगा। हवाई सेवा भी जो मैंने बताया कि मेला डूबी हेलीपेड उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे कपूर के विधायक ने कहा है कि चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वहां पर इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और बीएससी में सभी पदों पर बीए और भूगोल इन सभी पदों सहित इन पर जो है आगे कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। कपूर में एक बस स्टेशन का भी निर्माण कार्य किया जाएगा, दो टैक्सी स्टैंड का निर्माण भी यहां किया जाएगा, और इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों पिंडारी
ट्रैक ऑफ एयर होना है, यह भी मेरा स्वयं एक सपना था कि सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार का ट्रैक का प्रतियोगिता होने के लिए ट्रैक होना चाहिए। ये अंग्रेजों के टाइम से पिंडारी में पर्यटक गायब आया करते थे, आज भी बड़ी मात्रा में वहां लोग जाते हैं। और यह क्षेत्र हमारा कपकोट का एक क्षेत्र, हमारा पिंडारी का क्षेत्र, ये एक पर्यटक क्षेत्र है। इसमें हम लोग किसी प्रकार से उत्तराखंड की सरकार किसी प्रकार से भी कोई कमी इसमें नहीं आने देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं लगातार लंबे समय से यहां में आता रहा हूं। और मैं लगभग सन 2002 में एक महीने तक भराड़ी में रहा हूं और आसपास के सभी क्षेत्रों में गया हूं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और इन भद्रता के साथ भी लगातार यहां आया हुआ है और अनुभव होता है कि सदस्य के समय में लगातार इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में आना जाना रहा है। इसके अधिकांश लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए बागेश्वर जनपद आने वाले समय में हर क्षेत्र में हमारा ये उत्कृष्ट जनपद बने, एक आदर्श जनपद बने, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सभी का और परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छी टीमों यहां पर खुल गया है। माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।